दोस्तों आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑनलाइन ठगी के रुपए ले जाते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कामा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ओएलएक्स ऑनलाइन ठगी के रुपए ले जाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही आरोपी के कब्जे से 3,15,000 रुपये एवं मोबाइल को भी जब्त किया है। कामा थाना अधिकारी दौलत साहू ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि ऑनलाइन ठगी का एक आरोपी पैसे लेकर आ रहा है, जिस पर थाने के एएसआई हरिओम सिंह के नेतृत्व में कांस्टेबल हरिओम, कांस्टेबल कप्तान अमित कुमार के साथ एक टीम गठित कर कार्रवाई के लिए भेजी। जंग उन्होंने कार्रवाई करते हुए कीपैड सैमसंग कंपनी के मोबाइल के साथ आरोपी जगवीर उर्फ कल्लड़ पुत्र अमरचंद जाति जाटव निवासी नौगामा थाना जुरेरा को ठगी के रुपए ले जाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जगवीर के कब्जे से कुल 3,15,500 रुपये जब्त किए हैं। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, जिसे न्यायालय में भी पेश किया जाएगा। आरोपी से जब्त किए गए रुपए और मोबाइल को सील्ड मोहर करने के बाद मालखाने में जमा कर दिया है। आरोपी से पूछताछ कर अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी के पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। मैं तो नहीं करता था। तो कैसे करते हो? मेरे को निसार देता है पैसा। तो आपकी भूमिका क्या है इसमें? भूमिका जी, मैं तो वहाँ से लाता था जी पैसा, था कप्तान को देता था जी। जी फिर जी बस स्टैंड पर देता। तो कितने लोग शामिल हैं इसमें? इसमें तीन है जी। कौन कौन? एक कप्तान है, एक निसार है, मैं पहुँचाने का। कल शाम को थाने के सामने नाकाबंदी की जा रही थी, उस दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोई ऑनलाइन ठगी के रुपए लेकर के जा रहा है। सूचना पक्की होने पर कलावटा के पास गए, हमें एक व्यक्ति मिला जिसको देख करके पुलिस, बावर्दी पुलिस को देख करके खेतों में भाग गया, जिसको हमराही मुलाजमान की तरफ से घेराबंदी करके रोका गया। और उसके नाम पते पूछे तो उसने जगवीर और कल्लड़ निवासी नौगांव थाना जुरेरा बताया, जिसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 3,15,500 रुपये नकद मिले। उस पैसे के बारे में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये हम पूरे भारतवर्ष में ऑनलाइन ठगी का काम करते हैं और ये पैसे मुझे निसार ने दिए हैं और कप्तान दोसरस यूपी के लिए मैं इनको लीग में देने जा रहा था। हम ठगी का काम करते हैं और ये लोग भी ठगी का काम करते हैं, ऑनलाइन ठगी से हम ये पैसे अर्जित करते हैं और मैं इन पैसों को यहाँ वहाँ पहुँचाने का 5-4 बार पहले भी मैं डीग में पैसे दे के आ चुका हूँ। इस संबंध में पूछताछ के बाद में जब वो पैसे संदिग्ध पाए गए, मुलजिम को वहीं पर गिरफ्तार किया गया, पैसे जब्त किए गए, मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी।